जय माता रानी। दोस्तों आपका आज का वीडियो थोड़ा सा एक थोड़ा सा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि ये जानकारी वाला वीडियो रहेगा। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी हमें एक जानकारी दीजिए कि जी खजाने वाली ये चीज़ें होती हैं, लोग जो कहते हैं कि फलानी जगह खजाना, ये क्या ये होते हैं और इनकी पहरेदारी भी करते हैं कोई चीज़ें या आत्माएँ? तो देखिए मित्रों, ये बिल्कुल हकीकत वाली बात है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास ऐसे जाने कितने केस आ चुके हैं, मुझे तो ध्यान भी नहीं होगा, खरीदे खजाने या धन से संबंधित, गड़े हुए धन से संबंधित। और मैं एक बार बताऊँ, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि इन चीज़ों का हिंट मुझे पहले ही मिल चुका है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अभी भी एक दो केस में लोगों को बचाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि उस वजह से जाने कितनी लोगों की बलियाँ ले ली हैं, मात्र एक छेड़छाड़ उस जगह पर करने पर ही जाने कितनी लोगों की बलि ले ली है चीज़ों ने, और लगातार लेती चली जा रही है हर एक समय अंतराल पर। तो ऐसे बहुत केस देखे मैंने। आए एक जगह देखा कि घर में दबा हुआ खजाना, जो काफ़ी 300-350 साल पुराना था, किसी राजा महाराजा के समय का दबा हुआ, वहाँ से निकालने पर उस चीज़ ने 3 व्यक्तियों की बलि ले ली। वो भी किस तरीके से मालूम है? वो भी इस तरीके से कि उसी स्थल पर, जो घर में वो स्थल था जहाँ पर खजाना था, उसी स्थल पर व्यक्ति गिरता था और 1 मिनट में मर जाता था। 1 मिनट भी नहीं, ना तड़पता था ना कुछ कर, गिरते ही मर जाता था। मतलब एक 26-27 साल का हष्टपुष्ट व्यक्ति, एक 30 साल का हष्टपुष्ट व्यक्ति, एक 20 साल का लड़का अगर मर जाए, वो भी नहीं बिना किसी अटैक के या बिना किसी के, तो उसको आप क्या कहेंगे? क्योंकि वो उसके निकलने के बाद ही शुरू हुआ, और जब तक वो खजाना ख़त्म नहीं हो गया, चीज़ें उसमें सोने चांदी की चीज़ें निकली थी। तो ये घटना हुई थी। मैं तो ये चीज़ें हैं और बिल्कुल होती हैं, ये अनुभव सिद्ध बात है, क्योंकि जो मैंने देखा, खुद देखा, फिर ये चीज़ मैंने सामने देखी है। और दूसरी एक चीज़ और, कि एक बार की बात है, काफ़ी पहले की बात है, कि किसी ने मुझे बताया था कि किसी गांव में बहुत पुरानी हवेली है, तो वहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ पर कुछ है दबा हुआ। तो बात ही बात में कोई व्यक्ति आया हुआ था, तो बोला गुरुजी चलिए, वो जगह हमारी है सारी, हमारे देखिए, चल गया। तो मैंने कह दिया नहीं जाऊँगा। तो पीछे पड़ गया गड़गड़ाने लगा। तो मैंने कहा चलो देखेंगे, कभी मौका लगेगा तो आऊँगा। कह दिया मैंने उसको रोकने के लिए, मैं जाऊँगा, जाता तो नहीं वैसे भी। तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी रात में मुझे सपना आता है। और सपने में एक बहुत लंबा चौड़ा 10-15 फुट का आदमी, काला बिल्कुल, और उसने सिर पे एक वो साफा सा बांध रखा था, और उसने वो खाल सी पहन रखी थी, नीचे कमर के नीचे खाल सी पहन रखी थी, पता नहीं क्या थी वो। और वो कहता है कि सामने आकर के कि पंडित, इस खजाने के मैटर में तू ध्यान मत देना। इतना कहकर के बस, इसके अलावा उसने कोई दूसरा शब्द नहीं, ध्यान के अलावा कुछ हो, हाँ इस खजाने के पचड़े में तू मत पड़ना, हाँ यही था शब्द उसका, पर इतना बस शब्द था। तो मैं समझ गया सारी बात, मेरी सारी बात समझ में आ गई कि मैटर खतरनाक है, ये चीज़ उसकी रक्षा कर रही है, तगड़ी कोई चीज़ बलि दे करके वहाँ डाल दी गई है, बैठा दी गई है, तो वो उसकी रक्षा कर रही है। अच्छा एक बात और बताऊँ, ये चीज़ें उसी को मिलती हैं जिसका हक होता है, तो अनावश्यक इस रूप में दखलंदाजी भी नहीं करनी चाहिए। आपको मालूम है कई राजाओं के खजाने किले में गड़े हुए हैं और वो बिल्कुल भी नहीं निकल पाए हैं। वो क्यों नहीं निकल पाए? क्या लोगों के पास शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, पैसा नहीं है, मशीनरी नहीं है? ऐसा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जब वो गड़बड़ शुरू करती है ना चीज़ें, तो सबके हाथ पर फूल जाते हैं, तो वो वहीं छोड़ देते हैं उसको, ठीक है ना। और कई लोगों ने निकाला भी है तो वंश का समूल नाश हो गया है, अगर वो उनके भाग्य में नहीं है तो वंश का समूल नाश कर दिया उन चीज़ों ने। तो ये बड़ी रहस्यमय चीज़ें होती हैं। और जब पुराने लोग थे, वो जब खजाने को कहीं पर गाड़ देते थे या दबा दिया करते थे, अच्छा सबसे खतरनाक खजाने कौन से होते हैं? बंजारों वाले जो पुराने ज़माने में खजाने गाड़ करके वहाँ टीला बना दिया करते थे, टीला बना करके उस पर एक झंडा या कोई कवर या कुछ ऐसी चीज़ निशानी बना दिया करते थे कि कभी भी वो लौटते हुए उस क्षेत्र से गुजरें
तो उनको वो मालूम पड़ जाए। तो वो हमेशा उस जगह पर कोई ना कोई बलि विधान ऐसा कर देते थे जिससे कि वो कोई निकाल नहीं पाए, और उनके खजाने हमेशा खतरनाक होते थे, उनको निकालने वाले का हमेशा ही अनिष्ट हुआ। और जो राजा महाराजाओं के किलों में जो खजाने गड़ंत में होते थे, तो उनमें क्या होता था कि उनमें ये होता था कि उनमें उसको करने के बाद वहाँ पे पूजा करके वहाँ कोई किसी सेवक की बलि दे देते तो वो वहाँ बैठ जाता था एक पहरेदार के रूप में, द्वारपाल के रूप में, समझ लिए खजाने का रक्षक। तो ये बड़े भयंकर मतलब ये खजाने हुआ करते हैं। इसके तो कई लोगों को अनुभव हुए हैं जिन्होंने उनको मिल भी गया है कुछ, तो उनके यहाँ उसी समय से अनिष्ट होना शुरू हो गया है। तो ये भी एक ख़तरनाक अनुभव है। एक आपको एक सत्य घटना बताता हूँ, एक बार की बात है और इसको भी काफ़ी समय हो गया, कि किसी किले विशेष में खजाना मतलब सुनने में आता था वहाँ खजाना है। तो किसी कोई तांत्रिक था अच्छा, तो उसने पता लगा लिया था कि खजाना किस कोने पर है किले में। तो वहाँ पर वो जाते हैं सब लोग रात के समय पर, सब लोग मिल करके कुछ गांव के उसके इलाके के गांव के लोग और वो तांत्रिक और उसके जो शिष्य वगैरह थे चेले चपटे वो जाते हैं। और वहाँ जा कर के वहाँ जाने के बाद वो उसके कोई अपना उनका विधान था, उस विधान से वो निकालने के लिए क्रिया करते हैं। और देखिए मित्रों, वो इतना जानकार था इसीलिए उसने ये भी पक्का सही पता लगा लिया था कहाँ पे कोई चीज़ है, और उसने निकालना शुरू कर वो खुदवाना शुरू कर दिया उसी दिन रात को ही। अब देखिए उसको मटके भी दिखने लग गए उन लोगों को, मटके का ऊपरी का हिस्सा, और मटके क्या थे बहुत बड़े बड़े, एक कहते हैं ना एक बहुत बड़े बड़े कढ़ाव उठाव टाइप के होते हैं ना, बड़े बड़े कल से बहुत बड़े, इनको दो दो पाँच पाँच आदमी भी नहीं उठा पाते, इतने बड़े बड़े थे। तो निकालना बहुत मुश्किल था, खोदने लगे वो, ऊपर से भी बिल्कुल पैक था, बिल्कुल बंद, बिल्कुल उसको जैसे कि ढाल के बंद किया गया लोहे को गला करके, तो वैसा बंद था। तो उन्होंने उसको खोलने के लिए, अब जब वो खजाना खोद रहे थे तो बहुत नीचे तक चले गए थे, करीब करीब वो 15-20 फुट तक, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत थे और उनको एक ही रात में मावश्या की रात में निकालना था, तो पूरी तैयारी के संग आए थे। उन्होंने खोदते खोदते 15-20 फुट तक चले गए वो आदमी, क्योंकि बहुत आदमी थे, तो जब संख्या बल ज़्यादा होता है तो बहुत जल्दी काम होता है, जो काम 10 दिन में उन्होंने 2-4 घंटे में कर दिया। और जब ऐसा पैसे का पाने का जोश होता है ऐसा कहीं धनगड़ा धन का, तो आदमी बहुत जोश से काम करता है। और बाबा ने बताई दिया था तांत्रिक बाबा ने उनको कि एक ही दिन में निकलना है, ये निकलेगा तो आज ही निकलेगा, अन्यथा कभी नहीं निकलेगा। तो जो ही 25-50 आदमी थे उन्होंने पूरा जोर लगा के उसको निकाल, अब ऊपर का हिस्सा दिखने लगा, वो इतने नीचे पहुंच चुके थे। और क्या होता है कि फिर अचानक एक चीज़ होती है कि तांत्रिक जो बाबा थे उनके संग, तो उनको कुछ भय महसूस होता है और उनको लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो और लोगों को तो खुदाई में लगा रहने देते हैं, वो जरा मैं बोलते हैं अरे मैं जरा बाहर जाके जरा पानी वानी पी लेता हूँ, ऐसे करके बाहर निकल जाते हैं, उनका जी उचटता है थोड़ा सा। और जो मेन व्यक्ति थे, जो जिनको ज़्यादा वो था खजाने वाने का, जो सामान्य थे संग में लगे हुए थे चले, वो तो ऊपर थे, जो मेन थे जिनको वो पाना था वो बहुत जरूर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा कोशिश की थी वो सब नीचे ही थे गड्ढे में, केवल उस बाबा को छोड़ करके। अचानक क्या होता है, अचानक जो गड्ढा उन्होंने इतना बड़ा जो करा था, तो उसके कोने पर आपको मालूम है गड्ढा खोदते हैं तो ये कोने पर मिट्टी जमा कर देते हैं, ढाई बना देते हैं चारों तरफ, ठीक है, ताकि गड्ढा खोदते, दूर तो फेंक नहीं पाते मिट्टी, तो गड्ढे के ऊपर ही जमा करते जाते हैं। तो अब 10-15 फुट का गड्ढा होगा तो मिट्टी कितनी जमा होगी आपको अंदाज लग ही गया होगा। तो अचानक जनक क्या होता है कि वो गड्ढे में से पूरी की पूरी मिट्टी अचानक उसमें पूरे गड्ढे में दोबारा से भर जाती गिर करके, और उसमें जितने भी 10-15 लोग थे नीचे गड्ढा खोद रहे थे, जो चौड़ा गड्ढा खोद दिया था ना कुएं से भी चौड़ा, सब उसमें दब जाते हैं और हल्ला मच जाता है। जब तक गांव से लोग भाग और लोग बुलाए जाते हैं, क्योंकि दब गए थे उनको निकालने के लिए, बाकी लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे जल्दी जल्दी। और जब तक वो उसको खोलते हैं, उनको सुबह हो गई खोदते खोदते उसको निकालते आदमी को, सब मर चुके थे अंदर, मतलब उस खजाने ने इतने सारे लोगों की बलि एक झटके में ले ली। अब किसी की उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी कि उस जगह खजाना खोज पाए, ठीक है ना। ये बहुत पुराना किस्सा है और ये सत्य किस्सा है, समझ लीजिए। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति ने बताया था जो इस चीज़ से मतलब अच्छी तरह जानकारी में था, जुड़ा हुआ था, तो ऐसा भी हुआ था। ये काफ़ी प्राचीन मतलब अभी की बात नहीं, पुरानी बात है। तो कोई आया था वो शिष्य, वो
उनके जानकारी में हुआ था ये। तो ऐसी घटनाएं भी होती। एक ऐसा भी व्यक्ति आया था जो कि एक खेत में रहता था, तो खेत में सुनने में आया था कि वहाँ पर कुछ धन गड़ा हुआ है। तो जाने कैसे एक दिन खुदाई, वो हल वल चलाते हैं ना, तो उसमें उनको एक सिक्का मिल जाता है। और उस सिक्के को मिलने के बाद उनकी दुर्दशा शुरू हो जाती है। वो करोड़पति थे उससे पहले, उसके बाद उनके हाथ से धन फिसलता चला गया पानी की तरह। कभी कोई चीज़ लग गई, कभी कोई मुकदमा, कभी कोई कचहरी, कभी कोई मरने लग गया घर में। तो इस तरह से पूरा करोड़ों रुपये धन बर्बाद होकर के वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में आ गए बिल्कुल। जब और फिर क्या होता है, अचानक वो सिक्का कहीं से कुछ चोरी करके ले जाता है, तो उसके बाद से उनकी हालत फिर सुधरने लग जाती है। तब उनको समझ में आती है कि अच्छा, जिस दिन सिक्का हमारा चोरी हो गया उसी दिन से उनको अंतर दिख गया घर में। नेगेटिविटी ख़त्म, लड़ाई झगड़ा ख़त्म, और शांति, बीमारियाँ थी लोगों को वो सही होने लग गई। तो समझ गया इस बात को फिर कि ये उसकी वजह से हुआ था। और दोस्तों कुछ ऐसे भी चीज़ें हुई हैं कि किसी को भाग्य से कोई बहुत बड़ा धन मिला है। और कई ऐसी घटना इतिहास में हैं जिससे कि उसने ऐसा एक एम्पायर खड़ा कर लिया, उसने ऐसा एक वो ग्रहण कर लिया, एक स्थान ग्रहण कर लिया समाज में, बड़ा व्यक्तित्व बना लिया अपना सेठों वाला। तो वो इससे भी वो हुआ, ऐसा भी हुआ है, घटनाएं कहीं ऐसी भी है, उनको फलीभूत हो गया वो, या उनके भाग्य में था, वो अपने आप मिला उनको। जैसे कई घटना चरवाहों की भी हैं, कई ऐसे लोगों की हैं खेत खलिहानों में जो किसी काम से थे रात में, उनको कुछ चमकती हुई चीज़ दिखती है, निकालते हैं तो वो निकलता ही चला आता धन पे धन। तो ऐसी घटना वो उनके भाग्य में थे समझ लीजिए, कि वो अचानक ही मिलता है और फिर मिलने के बाद वो उसको यूज भी करते हैं और कुछ नुकसान भी नहीं होता, बल्कि दिनों दिन बढ़ोतरी होती है। तो वो उनके भाग्य का होता है, भाग्य में अपने आप मिलता है ये चीज़ें होती हैं। तो इस मामले में मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक बार की बात है कि मैं किसी जगह जा रहा था, तो वहाँ पर जिस जगह मैं जा रहा था तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि कुछ पैसे पड़े हुए हैं। तो पैसे मैंने उठा लिए और उठा लिए तो वो दूसरे देखने में तो छोटे से लपेटे हुए से पैसे लग रहे थे, लेकिन मैं बाद में खोल के देखा तो बहुत रुपए थे वो, क्योंकि उस समय 1000 का नोट चलता था। तो हज़ार के जाने कितने नोट थे उसमें लिपटे हुए, फिर उसके बाद 500 के नोट, उसके बाद 100 के नोट। तो ऐसा मिलना होता तो ऐसे मिल जाता है, और पूछने पे किसी का भी पैसा नहीं निकला। मैंने इस तरह नहीं पूछा कि इतने रुपए गिरे, मैंने कि ये किसी के यहाँ पे पैसे गिर गए थे क्या इस तरह से, तो किसी नहीं, नहीं हमारे तो नहीं गिरे। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है, हम कहेंगे हमारे यहाँ तो ये पूछा कितने रुपए या कैसे हैं, तो वो बता नहीं पाएंगे अगर उनके नहीं है तो वो नहीं हुआ किसी का भी। तो फिर मैं अपने यूज में लिया, मैंने उसको पैसा प्रसाद लगाया थोड़ा बहुत, तो बाकी यूज में भी ले लिया। तो मैंने देखा भाग्य से मिल जाते हैं, मिलने होते हैं। तो ऐसे खजाने का होता है, अगर आपके भाग्य में है वो तो मिलेगा आपको। चलिए मित्रों, आपको अच्छी लगेगी ये जानकारी थोड़ी सी, वैसे बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें मालूम है मुझे, लेकिन थोड़ी सी डाल दी मैंने आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि बहुतों ने प्रश्न किया था खजाने से संबंधित कि हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा है। तो मैं ऐसे मामले में मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस पचड़े में बिल्कुल भी ना पड़े। जय माँ भवानी, जय माँ तारानी।